लो चिल्ड्रेन वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ जनरल नॉलेज टुडे वीर गोइंग टू स्टडी लेसन नंबर सिक्स सेवेन एंड एट सो लेट्स कंटिन्यू विद द लेसन्स द फर्स्ट लेसन इज लेसन नंबर सिक्स दिस आई हैव ऑलरेडी कवर्ड इन माई प्रीवियस वीडियो बट हाफ पार्ट वॉज नॉट एबल टू कवर सो हियर आई एम कवरिंग द अदर पार्ट पहले वाले वीडियो में मैं कुछ पार्ट कवर नहीं कर पाई थी सो so, इस वीडियो में आपका रेस्ट ऑफ द पार्ट मैंने अभी कवर किया है सो द नेक्स्ट पार्ट इज द मशीन्स एंड गैजेट्स दैट इज मशीन्स एट होम मशीन्स एंड गैजेट्स लेसन में हम मशीन्स एट होम के बारे में बात करेंगे आज ना वॉट आर द मशीन्स विच वी यूज एट होम मैनी मशीन्स हेल्प्स अस इन परफॉर्मिंग वेरियस डोमेस्टिक जॉब्स दे मेक आर लाइफ कंफर्टेबल एंड ईजी सम ऑफ देम आर गिविन बिलो हमारे होम पे हमारे घर में हमारे पास बहुत सारी ऐसी मशीन्स होती हैं जो हम यूज़ करते हैं और यूज़ करने पे वो हमारे जो डोमेस्टिक जॉब्स होती हैं मतलब घर के जो काम होते हैं उनको परफॉर्म करने में उनको वर्क को पूरा करने में हमारे वर्क को जो बर्डन होता है जो वर्क लोड होता है उसको बहुत ज़्यादा कम कर देते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारी ऐसी मशीन्स हैं जैसे कि अगर हम देखें तो हमारे घर में वॉशिंग मशीन होती है बहुत से लोगों के घर में तो पहले के टाइम पे जिनके पास में वॉशिंग मशीन नहीं होती थी वो क्या करते थे वो अपने हाथों से कपड़े वॉश करते थे यस बट नाउ अब जैसे वॉशिंग मशीन आ गई है तो लोग बस उसमें अपने सारे डर्टी क्लोथ्स पुट करते हैं और जो सोप है वो पुट करते हैं बस मशीन ऑन और, और आपके सारे क्लोथ्स कुछ टाइम बाद वॉश होकर आपके सामने आ जाते हैं आपको उसमें कुछ भी नहीं करना होता है सेम अदर थिंग्स ऑल्सो जैसे कि आपके पास वैक्यूम क्लीनर होता है तो वो पहले तो अब लोग झाड़ू लगाते थे मॉपिंग ब्रूमिंग सब लोग करते थे बट अब वैक्यूम क्लीनर की हेल्प से सब कुछ इजीली क्लीन हो जाता है टोस्टर ओवन बहुत सारी ऐसे मशीन्स हैं जो हम घर में यूज़ करते हैं और हमारे वो वर्क लोड को बहुत ज़्यादा कम कर देते हैं नाउ विल कंटिन्यू विद द क्वेश्चन द क्वेश्चन इज गिविन हियर दैट लुक एट द पिक्चर्स एंड फिल इन लेटर्स टू कम्प्लीट द नेम ऑफ दिज मशीस यू हैव गि आपको आपके सामने कुछ पिक्चर्स दे रखी हैं उन मशीन्स की विच यू यूज एट योर होम जो आप अपने घर पर यूज करते हैं उनके नेम्स भी आपको नीचे की तरफ दिए हुए हैं बट द स्पेलिंग्स आर हाफ रिटर्न स्पेलिंग्स हाफ लिखी हुई हैं और हाफ मिसिंग है सो यू है ब्लैंक्स एंड मेक द स्पेलिंग करेक्ट आपको पूरी स्पेलिंग करेक्ट करनी है पूरी स्पेलिंग को फिल करना है सो द फर्स्ट वन द फर्स्ट पिक्चर यू कैन सी इज रेफ्रिजरेटर बहुत से लोग उसको फ्रिज कहते हैं बट द फुल नेम इज़ रेफ्रिजरेटर इसका करेक्ट नेम क्या है रेफ्रिजरेटर हम शॉर्ट फॉर्म में इसको फ्रिज कहते हैं बट द करेक्ट नेम इज़ रेफ्रिजरेटर द स्पेलिंग ऑफ रेफ्रिजरेटर इज़ आर ई एफ आर आई जी ई आर ए टी ओ आर द नेक्स्ट वन इज टोस्टर द स्पेलिंग ऑफ टोस्टर इज टी ओ ए एस टी ई आर टोस्टर टोस्टर किस लिए वर्क में आता है आपकी जो ब्रेड्स होती हैं उसको सेकने के लिए उसमें यूज में आता है टोस्ट करने के यूज में आता है ब्रेड को टोस्ट करके थर्ड वन इज माइक्रोवेव ओवन स्पेलिंग इज एम आई सी आर ओ डब्ल्यू ए वी ई माइक्रोवेव ओ वी ई एन ओवन सो माइक्रोवेव ओवन इज़ यूज फॉर डिफरेंट पर्पजेज़ ये बेकिंग केक बेक करने के लिए बिस्किट बेक करने के लिए या आपके जो फूड हैं उसको वापस से प्री हीट या फिर री हीट करने के लिए भी वर्क में आता है गर्म करने के लिए उसके लिए भी यूज़ में लेते हैं नेक्स्ट मिक्सर एम आई एक्स ई आर मिक्सर ये किसी भी चीज़ को मिक्स करने के लिए यूज़ में आता है जब आप टू थ्री थिंग्स आप इसमें पुट करेंगे और इसको ऑन करेंगे तो वो सारी चीज़ें आपस में मिक्स होके एक बहुत पतला सा कुछ लिक्विड टाइप बना देगा और आपको देगा नेक्स्ट कंप्यूटर सी ओ एम पी यू टी ई आर कंप्यूटर एज यू ऑल नो वॉट इज कंप्यूटर जो आपके वर्क को और ज़्यादा ईजी कर देता है आपको कुछ टाइप करना है आप टाइप कर सकते हैं आपको कुछ वर्क करना है आप इसमें वर्क कर सकते हैं इंटरनेट पे किसी से बातें करनी है आप वो भी कर सकते हैं गेम्स प्ले कर सकते हैं वीडियोस देख सकते हैं एंड मैनी मोर नेक्स्ट वैक्यूम क्लीनर वी ए सी डबल यू एम वैक्यूम क्लीनर सी एल ई ए एन ई आर क्लीनर वैक्यूम क्लीनर वैक्यूम क्लीनर हेल्प्स यू टू क्लीन योर होम यहाँ पे आपको ब्रूमिंग की हेल्प नहीं चाहिए ब्रूमिंग मीन्स झाड़ू लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है आप विद द हेल्प ऑफ्यू वैक्यूम क्लीनर ओनली यू कैन क्लीन योर कंप्लीट हाउस द डस्ट एंड एवरी थिंग

बाथिंग वाटर को नहाने के पानी को गर्म करने के लिए कुछ लोग इसको किचन में भी लगाते हैं सम पीपल यूज टू पुट दैम इन द किचन ऑल्सो फॉर जब वो वॉशिंग कर रहे हैं अपने यूटेंसिल्स वॉश करते हैं सो इन विंटर टाइम जब उनको बहुत कोल्ड वाटर आता है सो फॉर दैट उसको टर्न करने के लिए वो हॉट वाटर का यूज़ करते हैं सो इन किचन ऑल्सो नाव डज मैनी पीपल आर यूजिंग गीज़र इन द किचन्स बट मोस्टली ये बाथरूम में यूज़ होता है ताकि वो गर्म पानी आ सके हॉट वाटर ले सकें नेक्स्ट इज़ वॉशिंग मशीन डब्लू ए एस एच आई एन जी वॉशिंग मशीन एम ए सी एच आई एन ई मशीन वॉशिंग मशीन इज़ यूज टू वॉश योर क्लोथ्स आपके क्लोथ्स को जो पहले के टाइम पे लोग हैंड से वॉश करते थे अब वॉशिंग मशीन आ गया है टू वॉश योर क्लोथ्स नेक्स्ट इज़ म्यूज़िक सिस्टम एम यू एस आई सी म्यूज़िक एस वाई एस टी ई एम सिस्टम म्यूज़िक सिस्टम

डेज और मंथ्स रिलेटेड आपको क्वेश्चन दे रखे हैं एंड इन दैट यू हैव गिवेन टू ऑप्शन एंड यू जस्ट हैव टू टिक वन करेक्ट ऑप्शन आपको एक करेक्ट ऑप्शन चूज करना है फर्स्ट वन इज ट्वेंटी फोर आर्स मेक अ डैश डे और वीक सो द करेक्ट आंसर इज डे ट्वेंटी फोर आवर्स क्या बनाते हैं डे बनाते हैं वन पूरे डे में एक पूरे डे में ट्वेंटी फोर आवर्स होते हैं सेकेंड देर आर सिक्सटी सेकेंड्स इन अ डैश मिनट या आर सो सिक्सटी सेकेंड्स कितने होते हैं वन मिनट में एक मिनट में वन मिनट में टोटल सिक्सटी सेकेंड्स होते हैं थर्ड एन आर कंसिस्ट ऑफ सिक्सटी डैश मिनट्स या मोमेंट्स वन आर में कितने uh, क्या होते हैं सिक्सटी मिनट्स होते हैं तो एन आर कंसिस्ट ऑफ सिक्सटी मिनट्स सेवन डेज मेक अ वीक सेवन डेज क्या बनाते हैं वीक बनाते हैं फोर्ट नाइट नहीं बनाते हैं जब सेवन डेज पूरे हो जाते हैं तो हम उनको क्या बोलते हैं कि वन वीक पूरा हो गया है जैसे वन वीक में कितने डेज होते हैं सेवन डेज मंडे ट्यूजडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे सो टोटल कितने हो गए सेवन तो सेवन डेज मिलके क्या होते हैं वन वीक नेक्स्ट फेबररी इज द डैश मंथ ऑफ द ईयर फेबररी शॉर्टेस्ट मंथ होता है या लॉन्गेस्ट मंथ होता है फेबररी शॉर्टेस्ट मंथ होता है क्योंकि उसमें सिर्फ ट्वेंटी एट डेज़ होते हैं सिर्फ एक लीप ईयर में ट्वेंटी नाइन डेज आते हैं बट मोस्टली ट्वेंटी एट डेज ही होते हैं तो ये सबसे शॉर्टेस्ट मंथ है सबसे छोटा मंथ है जनवरी इज़ द फर्स्ट एंड डैश मंथ ऑफ द ईयर जनवरी एक तो फर्स्ट मंथ होता है और कौन सा मंथ होता है कोल्डेस्ट या हॉटेस्ट कोल्डेस्ट जनवरी इज द कोल्डेस्ट मंथ ऑफ द ईयर सबसे ठंडा जो मंथ होता है वो जनवरी होता है सबसे ज़्यादा ठंड जनवरी में ही होती है

और सबसे ज्यादा ठंड सबसे ज्यादा कोल्डेस्ट कौन सा मंथ है जनवरी इज द कोल्डेस्ट मंथ एंड जून इज द हॉटेस्ट मंथ नेक्स्ट नाइन्थ वन द रेनी सीजन स्टार्ट इन इंडिया इन द मंथ ऑफ जुलाई और अक्टूबर रेनी सीजन इंडिया में कौन से मंथ में स्टार्ट होता है द रेनी सीजन स्टार्ट इन इंडिया इन द मंथ ऑफ जुलाई जुलाई में स्टार्ट होता है जुलाई के टाइम पे रेनी सीजन स्टार्ट हो जाता है एज यू कैन सी कि जुलाई के टाइम पे हमारा रेनी सीजन स्टार्ट हुआ था और अब अगस्त में भी कंटिन्यू कर रहा है टेंथ इन अ लीप ईयर देयर आर डैश डेज इन फेबररी अभी मैंने आपको बताया था लीप ईयर में फेबररी में कितने डेज होते हैं ट्वेंटी नाइन डेज होते हैं जब भी लीप ईयर आएगा तो फेबररी में ट्वेंटी नाइन डेज होंगे और जब लीप ईयर नहीं होता है तब ट्वेंटी एट डेज होते हैं इलेवन देयर आर डैश मंथ्स इन अ ईयर वन ईयर में कितने मंथ्स होते हैं होते हैं one year में नेक्स्ट contains dash years तो a decade में कितने years होते हैं 10 years होते हैं जब पूरे 10 years complete हो जाते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं कि पूरा one decade हो गया है एक decade बीत गया है ओके okay? hundred years make a अ सेंचुरी years हो जाते हैं तब क्या बोलते हैं सेंचुरी जैसे क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट में जब हंड्रेड रन्स हो जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि क्रिकेटर ने कितने रन्स कर लिए क्रिकेटर ने सेंचुरी बना ली है तो सेम ईयर जब हंड्रेड ईयर्स हो जाते हैं तो हम उसको सेंचुरी बोलते हैं और जब टेन ईयर्स हो जाते हैं तब तो उसको डेकेट कहते हैं और जब थाउजेंड ईयर्स हो जाते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं मिलेनियम यस अ मिलेनियम कंटेन्स थाउजेंड ईयर्स जब थाउजेंड ईयर्स हो जाएंगे वन थाउजेंड ईर्स तो हम उसको मिलेनियम कहते हैं फिफ्टीन दिसंबर इज द डैश मंथ ऑफ द ईयर दिसंबर कौन सा मंथ होता है सेकेंड मंथ या लास्ट मंथ ईयर का दिसंबर इज द लास्ट मंथ ऑफ द ईयरबर लास्ट मंथ होता है ईयर का गांधी जयंती फॉल्स ऑन सेकेंड अक्टूबर और थर्टीएथ जनवरी गांधी जयंती कब आता है सेकेंड अक्टूबर को तो गांधी जयंती कब आता है सेकेंड अक्टूबर सेकेंड अक्टूबर को गांधी जयंती आता है गांधी जी का बर्थडे सेवेंटींथ ट आर इंडिपेंडेंस डे ऑन डेस्ट एवरी ईयर इंडिपेंडेंस डे ऑगस्ट में हम कौन सी डेट को सेलिब्रेट करते हैं फिफ्टींथ ऑगस्ट को हम सेलिब्रेट करते हैं एवरी ईयर नाउ दाई कार्टून कैरेक्टर्स आई होप एवरी यंगर किड्स आई यूजली कार्टून हमेशा आप लोग कार्टून देखते ही होंगे बट हियर इन दिस लेसन मोस्ट ऑफ द कार्टून कैरेक्टर्स आर आर देयर आई थिंक मे बी यू नॉट विद बहुत से ऐसे कार्टून कैरेक्टर्स हैं जिनसे आप फेमिलियर नहीं होंगे तो अब हम वो वाले कार्टून कैरेक्टर्स भी इसमें करेंगे इन दिस लेसन वॉट यू हैव टू डू यू जस्ट हैव टू मैच द नेम ऑफ द कार्टून कैरेक्टर्स विद द पिक्चर पिक्चर के साथ आपको उसके कार्टून कैरेक्टर के नेम को मैच करना है फर्स्ट वन बार्ट सिंसन सिंसन कौन से है येलो वन जिसके हाथ में वीकल है ओके? Okay? तो आप उसको मैच कर सकते हैं डोरेमोन, आप उसमें मैच कर सकते हैं. बगीरा द थर्ड वन द एनिमल विच यू कैन सी स्नूपी स्नूपी इज अ डॉग देर विद कलर टिन टिन जी फाइव टिनटिन इज द डिटेक्टिव कार्टून कैरेक्टर में इसको डिटेक्टिव कहते हैं इसके पास एक डॉगी भी होता है तो टिनटिन डिटेक्टिव है बूबू बेर बूबू बेर एक बेर है बहुत ज्यादा फेमस बेर है सिक्स वन छोटा भीम दिस इज द रियली फेमस छोटा भीम आई थिंक सो विच लवस लड्डू जिसको लड्डू खाने बहुत पसंद है ये नेक्स्ट मोटू पतलू दिस इज अ फेमस जोड़ी इनकी बहुत फेमस जोड़ी है देमस पार्टनर देअर

चाचा चौधरी चाचा चौधरी का ब्रेन कंप्यूटर से भी फास्ट चलता है मतलब, का इतनी जल्दी नहीं चलेगा जितना कि उनका चाचा चौधरी का चलेगा Mickey Mouse, माउस द one twelfth टिकी माउस किसको बोलते हैं जो माउस की तरह दिखता है जिसके माउस की तरह इयर्स हैं फेस भी उसकी तरह है इवन टेल आल्सो तो उसको हम मिकी माउस कहते हैं एन टॉम टॉम इज द वेरी बेस्ट फ्रेंड ऑफ जेरी टॉम का फ्रेंड कौन है जेरी टॉम इज अट ओ बलू बलू इज ऑल्सो बलू किसका फ्रेंड है जंगल बुक में आई थिंक मेनी ऑफ यू है कैट फेलिक्स द कैट इज अट है एम शक्तिमान शक्तिमान यू विल गोइंग टू मैच विद नंबर एस सिक्सटीन शक्तिमान इज ऑल्सो एन इंडियन सुपर हीरो शक्तिमान इज द फर्स्ट इंडियन सुपर हीरो सबसे पहला इंडियन सुपर हीरो है जो किड्स के लिए लॉन्च हुआ था इसके पास भी शक्तिमान के पास भी सुपर नेचुरल पावर्स हैं हु द पीपल हु आर इन डेंजर जो लोग डेंजर में होते हैं उनको वो प्रॉब्लम से सेव करता है निन्जा हथौड़ी सेवेंटीन नंबर विथ आर निन्जा हथौड़ी भी ही इज ऑल्सो हैविंग अ स्पेशल पावर्स जो डेंजर में होते हैं ये उनको सेव करता है ही इज़ ऑल्सो हैविंग सो मैनी फ्रेंड्स विद हिम उसके पास भी बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो उसकी हेल्प करते हैं स्पाइडर मैन ही इज़ अ मैन हुज़ हैविंग अ स्पाइडर पावर्स जिसके पास ऐसी पावर्स हैं जो स्पाइडर्स के पास जैसे होती हैं वैसे सो नंबर एटीन विथ टी डेफी डक

I want everyone to complete their lessons till now, and then we're going to meet in the next class with some more chapters. By the time, thank you.